हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपको बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जान सकते हैं कि सरकार के तरफ से जो 2000 रुपया हर किसी के खाता पे आया है, आप पे आया है या नहीं, उसी में हम आपको यह बतलाने वाले हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना है PM किसान स्टेटस, ठीक है, और इसको आपको चेक करना है। और पहले हम आपको बता देते हैं कि यह पैसा हर किसी के पास जाएगा, चाहे वह किसान हो या गरीब हो या मजदूर हो, हर किसी के पास यह पैसा उसके खाते में जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है आप इसको ध्यान से देखिए, और मेरा यकीन है कि आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही यह चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया। तो चलिए इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो सबसे ऊपर वाला जो आएगा है ना, PM किसान गवर्नमेंट जो है, इसको सबसे ऊपर वाला को क्लिक करना है आपको एक बार, ठीक है। जैसे ही आप खोलिएगा, आपके सामने एक चेक करने का तरीका आ जाएगा कि आप इसको तीन तरीका से चेक कर सकते हैं। आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं कि आप पे पैसा आया है कि नहीं, या आप अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा है उस पर आपको, अगर आधार नंबर आपके पास है तो यहाँ पे आधार नंबर पे टिक लगाना है, अकाउंट नंबर से चेक करना है तो यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा, और मोबाइल नंबर से चेक करना है तो यहाँ पे आपको टिक लगा के और यहाँ पे मोबाइल नंबर नीचे में लिखना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर जैसे ही आप लिख लोगे, हम मोबाइल नंबर को कुछ अंक को छुपा दिए हैं प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो इसमें हम 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गेट डाटा पर करेंगे क्लिक, ठीक है। और देखिए गेट डाटा पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको ना तुरंत आपको मिल जाएगा। तो देखिए सर्च करेगा, हो रहा है सर्च, यहाँ पे लिखा हो प्लीज़ वेट, ठीक है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। और जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया रहेगा वो डेट वाइज लिख देगा, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखला देंगे कि पैसा आया है या नहीं आया है मेरे खाते पर। तो देखिए पैसा आ गया हुआ है, देखिए मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और देखिए हर कुछ लिखा हुआ है, और देखिए कितना तारीख को पैसा आया है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और देखिए पैसा का लिखा हुआ है कितना तारीख को आया, 8/4/2020 लिखा है ना। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं आप पे पैसा आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों हम पूरा दिखा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के कारण हम पूरा को दिखा नहीं पाएंगे कि मेरे खाता में कितना पैसा आया, और अकाउंट नंबर हम कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करके दोस्तों में बताएं, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए, या आपके खाता में बैलेंस गया है या नहीं गया है, या कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे हेल्प ले सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके खाता में पैसा गया है या नहीं गया है, या कैसे चेक करना है। अगर आपको चेक करने में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।